दार्शनिक नितिन जी गडकरी, इनसे निवेदन है कृपया हमें संबोधित करें। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, यहाँ उपस्थित आदरणीय रामदास आठवले, प्रफुल्ल पटेल जी, अशोकराव चव्हाण, हमारे रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार राजू पारवे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आज मैं नागपुर जिले में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी विदर्भ की जनता उनके नेतृत्व में विदर्भ की पूरी सीटें, 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमारे पक्ष में रहेगी और हम विजयी होंगे, ये भी विश्वास उनको देता हूं। आप सबको पता है कि आप पूरा विदर्भ का विकास कैसा हुआ, नागपुर जिले का कैसा हुआ और नागपुर शहर का कैसा हुआ, यह आपने देखा है। आदरणीय मोदी जी ने हमारी मेट्रो का भूमि पूजन किया था, उसके बारे में मेट्रो हमारी कन्हान नदी तक आने वाली थी, अब यह निर्णय हुआ है कि कन्हान नदी पर मेट्रो पुल बनाएगी और कन्हान गांव तक मेट्रो आएगी, इसका निर्णय हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को विकसित करने का कार्य हमने लगातार किया है। देवेंद्र जी जब महापौर थे, मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था, तब से हमने दीक्षा भूमि का पूरा काम पूरा करने की कोशिश की। ड्रैगन टेंपल के लिए देवेंद्र जी ने 200 करोड़ रुपए दिए, ताजबाग के लिए पैसे दिए, परमात्मा एक सेवक समाज के लिए हमारे जो आदरणीय बाबा है श्रद्धेय जी, उसके लिए परमात्मा एक आश्रम के लिए हमारे शेखनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी ने 77 करोड़ रुपए उनके लिए दिए। कोई भी निर्णय हमारी सरकार में जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं होता। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, क्या कभी उसमें कोई जातिवाद हुआ? हिंदू मुसलमान कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको उसका फायदा मिला। आयुष्य योजना में कोई हमने जातिवाद किया? सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसी तत्व को लेकर हमने कार्य किया है। 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। हिंदुस्तान को समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, विश्व की शक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत करने की बात कही है और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। बहनों और भाइयों, जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जिसका अनुभव आप सब लोग लेते हैं। उस कामों के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। नागपुर जिला हो, विदर्भ हो, नागपुर शहर हो, हमारे किए हुए काम आपके सामने है। और जब काम के आधार पर हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, तो एक फिलॉसफी होती है, एक थ्योरी होती है,
कि जब कन्विंस करना नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस के नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं कि 400 सीटें मिलेगी तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने भी कहा, हम सब लोगों ने भी कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। वास्तविक रूप से केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने, बेंच ने यह निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, जो हमारे संविधान के मूलभूत तत्व है वो बदल नहीं सकते, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मैं आप कांग्रेस वालों को ये पूछना चाहता हूं कि आज तक संविधान को तोड़ने का पाप किसने किया है? संविधान को तोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। 80 बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा है, इमरजेंसी के समय, इंदिरा जी के समय ऐसे निर्णय हुए कि जिसमें पूरा हमारा लोकतंत्र समाप्त होने की कगार पर खड़ा था। बहनों और भाइयों, हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसकी गुणवत्ता से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, सांप्रदायिकता सब नष्ट करके सबका साथ, सबका प्रयास, सबके विकास, इसके आधार पर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर आपके सामने आए हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर सकी वो 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे देश में करके दिखाया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी महाराष्ट्र सरकार आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे विदर्भ में, हमारे नागपुर में इतने काम हुए हैं वो गिनने के लिए समय की कमी है। रामटेक में 200 करोड़ रुपए उन्होंने तो दिए ही है, अब रामटेक के लिए मेरे विभाग की ओर से मैंने रोप वे को भी मंजूर कर दिया है। रामटेक इंटरनेशनल पर्यटन सेंटर केंद्र बनेगा। उमरेड जहां हमारे यहाँ टाइगर है, नागपुर को टाइगर कैपिटल कहते हैं, विश्व के लोग टाइगर देखने के लिए नागपुर में आते हैं। हमारा पेंच, हमारा उमरेड, हमारा ताड़ोबा, इसके लिए पूरे दुनिया से, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जब पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार की निर्मित होती है। मोदी जी ने जिस इकोनॉमी को स्वीकार किया है जिसके कारण हमारे कृषि विकास का दर बढ़ेगा, सिंचाई को प्राथमिकता दी है। आशीष जायसवाल जी बहुत बार मुझे मांग करते थे कि पेज का पानी नागपुर शहर को जाता है और रामटेक तहसील में किसानों को पानी नहीं मिलता। हमने नागपुर महानगर पालिका का सीवेज का गंदा पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराड़ी और खापरखेड़ा प्रकल्प को दिया और जिसके कारण यह 300 MLD पानी बचा। अब रामटेक का पानी, पेज का पानी टेल एंड तक जाकर रामटेक तालुका के सब गांवों तक पानी मुबलक रूप से पहुंचा है, क्योंकि किसानों के हित के लिए हमने ये काम किया है। किसानों को समृद्ध और संपन्न कैसे बने? किसानों के लिए केवल अन्नदाता नहीं, किसान ऊर्जादाता बने। केवल ऊर्जादाता नहीं, अब तो किसान विटामिन तैयार करने लगे हैं, हवाई ईंधन तैयार करने में लगे हैं, हाइड्रोजन की निर्मित में लगे हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस देश के किसान का, गांव, गरीब, मजदूर सबका भविष्य बदलने वाला है। परिस्थितियां बदल रही है। बिहार में 68,000 नागपुर शहर और जिले के युवाओं को रोजगार मिला है और अगले 5 साल में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागपुर शहर और जिले में कम से कम 1,00,000 युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो कंफ्यूज करके गलत प्रचार कर रहे हैं,
कभी अल्पसंख्यक समाज को डराते हैं कि देखो मोदी जी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगाओ। हमारे दलित बंधुओं को कहते हैं कि ये संविधान बदलने वाले चुनाव के समय इस प्रकार की गलत बातें कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बहनों और भाइयों, आपका भविष्य इस चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भविष्य बदल रहा है। युवाओं को रोजगार मिलने वाला है और मिल रहा है। किसान समृद्ध संपन्न हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी नहीं, अब स्मार्ट विलेज का निर्माण होने वाला है। और इसलिए कोई अपप्रचार पर विश्वास न रखते हुए रामटेक लोकसभा क्षेत्र से राजू पारवे हमारे उम्मीदवार हैं। एक लोकप्रिय विधायक के रूप में उन्होंने उमरेड़ विधानसभा क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए और आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। और मेरा विश्वास है कि फिर से एक बार नागपुर जिले की जनता, विदर्भ की जनता, महाराष्ट्र की जनता, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका महाराष्ट्र है। और मेरा विश्वास है कि इस महाराष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का समर्थन यहाँ की जनता करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सबकी ओर से, नागपुर शहर, नागपुर जिले की जनता की ओर से मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनको विश्वास देता हूँ कि यहाँ से 100% हमारी जीत होगी और आपकी मेजॉरिटी में विदर्भ का योगदान बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गडकरी जी। इसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र